दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दहलाकर रख देने के बाद 3 गेंद पर 3 विकेट लेकर हार्दिक ने पलटा मैच और टूट गया कई सालों से पड़ा यह रिकॉर्ड, जानकर देश खड़े होकर ठोकराए सलाम। तो हार्दिक की इस घातक गेंदबाजी के साथ उनका ये रिकॉर्ड तो आपको यहाँ वीडियो में दिखाएंगे। रिकॉर्ड जाने बिना तो कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला यहाँ एमएच चिदम्बरम स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहाँ इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि हर कोई हैरान था उनके इस फैसले से, क्योंकि ये जो पिच है वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए अनुकूल है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए थे, जहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और शीन एबॉट टीम का हिस्सा बने, तो वहीं भारत की तरफ से कोई ज्यादा खास बदलाव थे नहीं। हालांकि दोस्तों, जब मैदान पर दोनों टीमें उतरी तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श मैदान पर आए, जहाँ दोनों ही बल्लेबाज आज एक अच्छी शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई टीम को दिला चुके थे और खूब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर भी आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पहला बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को हार्दिक पांड्या ने ट्रेविस हेड का विकेट लेकर दिया। दरअसल यहाँ पर ट्रेविस हेड बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कुलदीप यादव को कैच थमा बैठे, जहाँ ट्रेविस हेड 31 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए और 4 चौके 2 छक्कों की बदौलत उनकी ये 33 रन की पारी यहीं समाप्त हुई। और हार्दिक पांड्या एक विकेट लेने के बाद तो आप जानते हैं कि कहाँ रुकने वाले हैं। उन्होंने फिर आगे इसी तरह की गेंदबाजी जारी रखी, जहाँ उन्होंने मैदान पर उतरे कप्तान स्टीव स्मिथ का भी विकेट चटका दिया। जी हाँ दोस्तों, स्टीव स्मिथ हार्दिक पांड्या के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर चकमा खा गए और अपना विकेट 0 रन पर ही गवा बैठे, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक समय पर 68 रन बना चुकी थी बिना कोई विकेट गवाए, अब वही टीम 74 रन के कुल स्कोर पर 2 विकेट अपने गवा चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी मैदान पर मिचेल मार्श और डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाज मौजूद थे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करना हार्दिक पांड्या के लिए एक बड़ी समस्या थी। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने ये काम भी कर दिखाया, क्योंकि यहां पर उन्होंने मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसाते हुए 47 रन पर ही चलता किया, जहां वो अपने अर्धशतक के बेहद ही नजदीक पहुंचकर भी अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। और इस बीच एक के बाद एक विकेट गिर जाना ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा झटका था। लेकिन यहां पर फिर पारी को डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन ने संभालने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से जैसे ही 3 विकेट चटकाए तो उन्होंने वनडे क्रिकेट में एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, आप सभी को जानकर गर्व होगा कि हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट का अपना 74वां मुकाबला खेल रहे हैं। और दोस्तों, 74वें मुकाबले की 59 पारियों में हार्दिक पांड्या ने मात्र 2886 गेंद फेंकते हुए आज अपना 72वां विकेट हासिल भी कर लिया है। जी हां दोस्तों, 70 से ज्यादा विकेट लेने के मामले में सबसे कम गेंदबाजी करवाते हुए हार्दिक पांड्या ने यह बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है। जैसा कि आप सब यहां पर सूची में भी देख सकते हो कि हार्दिक पांड्या ने इस मामले में कई बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे कर दिया है, जहां हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर बल्लेबाज होने के साथ साथ एक अच्छे गेंदबाज भी है। इसका आज उन्होंने नतीजा हम सभी को दिखा दिया है और उन्होंने यहां आशीष नेहरा के इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। वहीं जेसन होल्डर के भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हार्दिक पांड्या उनसे आगे निकल चुके हैं। अजंता मेंडिस इस सूची में शामिल है, जैसा कि आप सभी यहां पर लिस्ट में भी देख सकते हो। और वहीं शोएब मलिक, रिचर्ड हेडली, क्रिस वॉक्स, मुश्ताक अहमद जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़कर हार्दिक पांड्या इन सभी से आगे निकल चुके हैं। हालांकि दोस्तों, हार्दिक पांड्या का ये रिकॉर्ड देखने के बाद तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और यहां तक कि जसप्रीत बुमराह भी सदमे में होंगे कि आखिरकार हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी ने ये महान रिकॉर्ड तोड़ कैसे दिया। क्योंकि दोस्तों, आज से पहले ये कारनामा भारत की तरफ से ना तो अश्विन कर पाए हैं, ना ही मोहम्मद शमी ने किया है, और रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी इस सूची में से बाहर हैं। तो दोस्तों, यहां पर हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर पूरे भारत देश को बता दिया है कि अब वो अच्छी गेंदबाजी करवाने के लिए तैयार हैं और वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ विकेट चटका के उन्हें हराना भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या के इन रिकॉर्ड के बारे में अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।